बिग बॉस 17 के विनर का सभी को बेसब्री से इंतजार था और बीती रात मुनव्वर इस शो के विनर बन गए। मुनव्वर और अभिषेक के बीच कांटे की टक्कर थी जो आखिर में वोट्स के आधार पर मुनव्वर ही शो के विनर बने। हालांकि लड़कियों की बात करें तो मन्नारा और अंकिता के बीच भी जीत को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। वो भी टॉप पर आ सकती थीं, लेकिन जनता के वोट के आधार पर दोनों ही शो से बाहर हो गईं। सबसे शॉकिंग ये रहा कि अंकिता मन्नारा से पहले ही आउट हो गईं। वहीं शो की दूसरी रनर अप मन्नारा चोपड़ा रही। मन्नारा और मुनव्वर फारूकी के बीच शो में काफी अच्छा बॉन्ड देखने को मिला था। दोनों में कुछ ज्यादा ही दोस्ती थी, देखकर लगता था कि इनके बीच जरूर कुछ चल रहा है, लेकिन वैसे ऐसा कुछ था नहीं। जैसे ही वो बिग बॉस के सेट से बाहर आईं तो मन्नारा से पूछा गया कि क्या वो मुनव्वर की वजह से टॉप 5 तक पहुंच पाई हैं। ये सुनकर शायद मन्नारा को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसका जवाब भी दिया। मन्नारा ने इस सवाल का जवाब ड्रामेटिकल अंदाज में देते हुए कहा, सच्ची ऐसे थोड़ी ना होता है कि मैं उसकी वजह से टॉप 5 में पहुंची। मेरा खुद का गेम इंडिविजुअली भी काफी स्ट्रॉन्ग था और एंटरटेनिंग तो मैं थी। मन्नारा ने यह भी कहा कि वीकेंड के वार में सलमान सर से मुझे अच्छी बातें सुनने को मिली थी। कभी कभी जब गलत होता था तो सर मेरे को हमेशा करेक्ट करते थे। उनका कहना यह भी है कि बिग बॉस के शो में वो अपनी पर्सनैलिटी की वजह से सिलेक्ट हुई थी। मन्नारा ने मुनव्वर और अपनी दोस्ती के बारे में कहा कि मेरी मुनव्वर से दोस्ती हुई है और उसकी भी मेरे से दोस्ती हुई है, और दोस्ती केवल एक तरफा नहीं होती। अच्छी बातें सुनने को मिलती थी। कभी कभी जब गलत होता था तो मेरे को सर हमेशा करेक्ट करते थे। एंड मेरा बिग बॉस में सिलेक्शन हुआ है तो जिस तरह की मेरी पर्सनालिटी है उसकी वजह से हुआ है, और मुनव्वर से मेरी दोस्ती हुई है तो उसकी भी मेरे साथ हुई है। सो आई थिंक फ्रेंडशिप कभी एक वे नहीं होती, दोनों वेज होती। यही नहीं, मीडिया से ये बात सुनकर कि परिणीति चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा ने शो के दौरान उन्हें विश किया है, ये बात को सुनकर मन्नारा खुशी से उछल पड़ी। अपनी दोनों बहनों का नाम लेकर उन्हें थैंक्स कहा। प्रियंका का नाम लेते हुए मन्नारा ने कहा कि अगर आपने मुझे विश किया है तो कहीं ना कहीं मैंने आपकी पर्सनैलिटी की इज्जत रखी। थैंक यू दी। आपका जीजू भी आया मुंबई में। वैसे बहुत से लोगों को मन्नारा पसंद थी तो कुछ यूजर्स उन्हें शुरू से ही ओवर एक्टिंग की दुकान कहते रहे हैं। सलमान खान ने भी उन्हें कहा कि वो बिना एक्सप्रेशन के बाहर आए। दरअसल मन्नारा अपने अजीबोगरीब एक्सप्रेशन के लिए काफी फेमस थी। आपको मन्नारा की गेम कैसी लगी और क्या आपको लगता है कि मन्नारा टॉप 3 डिजर्व करती थी? नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।